स्वागत है, आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। भाजपा नेता द्वारा सरेआम धमकाया गया थाना अध्यक्ष को। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता व जिला थोक उपभोक्ता सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा थाना तरकुलवा के एसएचओ विनय सिंह को भीड़ में ही धमकाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी नेता एसओ को मोबाइल लूट के आरोप को छोड़ने का दबाव बना रहे हैं और यह भी कह रहा है कि हर बात शाही जी मंत्री से कहना पड़ेगा, अब आर पार होगा, देखिएगा समझिएगा आप। जिस पर एसओ यह कहता दिख रहा है कि हम आर पार करने के लिए नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। वहीं इस मामले पर एसपी ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी नेता एसओ पर दबाव बना रहे हैं। एसओ ने खुद कॉल करके उन्हें बताया है, इसमें सीओ की जांच दी गई। उन्होंने बताया कि वे एसओ को खुद बुलाकर बात करेंगे और सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर पथरदेवा के महुआरी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। उसके मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे। कार्यक्रम के समापन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मंत्री के जाने के बाद का यह मामला है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला थोक उपभोक्ता सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा थाना तरकुलवा के एसओ को भीड़ के दौरान धमकाया गया, जिसका यह वीडियो वायरल हुआ है। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये दो दिन ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टेस्टी न्यूज लाइव के साथ।